नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। आज का जो ब्लॉग है मॉर्निंग से स्टार्ट हो गया था क्योंकि आज था साजा, चैत्र माह का साजा। तो साजे के दिन यहाँ हमारे चौक दिया जाता है, चौक में मांदरा भी बोलते हैं और कई लोग चैथर मांदरा चौक बहुत कुछ बोलते हैं अपने अपने तरीके से। तो यहाँ पर मैं दे रही हूँ चौक, जिसको हम हर ओकेज़न पे देते हैं। जब भी हमारा कोई यहाँ पर फेस्टिवल होते हैं तो हम हमेशा यहाँ पर मांदरा देते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना सुबह का जो मेरा मॉर्निंग का काम होता है सारा काम फिनिश करके, तो हमारे यहाँ पर ऐसे नियम होते हैं कि जब हम चौक देते हैं तो उसके बाद कोई भी मतलब साफ़ सफाई का काम एंड कोई कपड़े नहीं धोते हैं, कोई झाड़ू पोछा नहीं लगता है। तो मैंने आज सुबह ही सारा काम कर लिया था क्योंकि ये जो नियम होते हैं हमारे बुज़ुर्गों ने बनाए हैं, तो बस हम भी इनको फॉलो करते हैं कि हमें भी ऐसा नहीं करना है कि जो हम मांदरा देते हैं तो उसके बाद कपड़े नहीं धोने। तो मैंने यहाँ सुबह ही अपना सारा काम कर लिया था फिनिश, तो मैं यहाँ पर अब मांदरा दे रही हूँ। जिससे मैं ये मांदरा दे रही हूँ ये कोई रंग या ये कुछ ऐसा नहीं है, ये हमारा पठाऊ होता है जो कि हमारे जो चील के पेड़ होते हैं उससे निकलता है। हमारा ये पठाऊ होता है, हम इसे पठाऊ बोलते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा पतला सा कर दिया था, इसमें मैंने थोड़ी सी दही ऐड की थी। और ये मैंने गणेश बना लिया है, ये गोबर का बनता है। तो इधर तो कुछ वाले घर में हमारे गाय नहीं है, तो मैंने वहाँ पड़ोसियों के वहाँ से गोबर ला दिया था और उससे वो गणेश बनाया था अपना। तो देखिए आप मेरा चौक कैसा दिया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो इधर मेरी थाली भी सज गई थी जिससे मैं अब पूजा करूँगी। धूप पाची बोलते हैं हम इसको, जो हम हर साजे के दिन डालते हैं, हमारे यहाँ पाची बोलते हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके वहाँ इसको क्या बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी पूजा कर रही हूँ, साथ में मैंने यहाँ पर लगाई है तुलसी, इसकी भी पूजा कर रही हूँ। और मैं इस तरह से हमारे हर दरवाजे के पास टीका लगाया जाता है और पाची डाली जाती है। तो अब हो गया था शाम का टाइम। तो शाम के टाइम मैं यहाँ पर पहुँच गई थी अपने गार्डन में, क्योंकि इधर उधर मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा घास उग गया था आजकल। ये यहाँ पर मैंने साइड में लहसुन भी लगाई थी, इसमें तो ज़्यादा घास नहीं था, बट जो मेरा प्याज है उसमें थोड़ी घास उग गई थी। और इधर भी हमारे यहाँ पर जो हमने यहाँ बजरी और रेत रखी थी उसमें भी बहुत ज़्यादा घास लग गई थी इधर उधर। तो घर के इधर उधर थोड़ा गंदा हो गया था, तो मुझे लग रहा था कि चलो मैं इसको आज साफ़ कर लेती हूँ। तो इधर मैंने बहुत सारी ये पाइपें इकट्ठी कर ली थी, क्योंकि ये पाइपें हमने यहाँ पर ड्रम भर के रखे होते हैं पानी के, तो उसके लिए रखी होती है। फिर मैंने अपना वर्क स्टार्ट कर लिया था यहाँ, फटाफट मैंने सारा घास निकाला, गिलनी की सहायता से मैंने इसको निकाला।
फील्ड में पहुंच गई थी यहाँ अपने प्याज वाले खेत में। देखिए आप, इसमें बहुत ज़्यादा घास उग गई थी। तो पहले तो घास ज़्यादा नहीं थी इसमें, बीच में बारिश हो गई थी तो फिर से घास उग गई थी, और फिर से थोड़ी धूप लगी थी तो फिर ये बहुत ज़्यादा सख्त हो गया था। कि अब एक दो दिन पहले बारिश हुई है तो अब थोड़ा नरम हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ये घास आज निकाल देती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर फटाफट से अपने काम में डट गई थी। इस टाइम ना थोड़ा आराम था तो बच्चे खेलने चले गए थे ग्राउंड, यहाँ पर हमारे साथ में एक ग्राउंड है तो वो वहाँ पर खेलने चले गए थे। तो ऑलमोस्ट अब मेरा काम कंप्लीट ही हो चुका था। ये देखिए बिल्कुल मैंने घास साफ कर ली, और मेरा ये मटर, सॉरी जो प्याज था उससे भी मैंने घास निकाल दिया सारा, और इधर निचली साइड भी बहुत सारी घास लगी थी वो भी मैंने निकाल दी थी। और यहाँ ना मैंने एक मतलब छोटी सी अपनी फूलों की जो क्यारी है वो बनाई है मैंने। इसमें बहुत सारे फूल लगा के रखे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे। तो देखिए प्लीज़ आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये गार्डन कैसा लगा। तो चाहे आप फिर से, मैं आपको वही बात, और सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना ये है इलायची का पौधा। तो मैंने भी लगाया है कि मैंने भी सोचा कि चलो ट्राई करते हैं इसमें इलायची लगती है या नहीं, तो मैंने लगा लिया है। तो ये है मेरी स्ट्रॉबेरी। तो अब मैं सबको यही बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं बुरे लगते हैं, प्लीज़ बताना और अपनी राय भी मुझे देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।